भाई हम अपनी आंख से देखा, एक आदमी पूरा सर से पूरा पैर से खून ऐसे बह रहा था, उसको उठा के लेके जा रहे थे और भाई गनमैन चारों तरफ थे। आगे देखिए तालिबान की चेक पॉइंट बनी हुई है, यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा भाई, कैमरे नीचे रखना पड़ेगा मुझे। भाई ये कोई गांव सा है यहाँ अफगानिस्तान का पूरा, भाई यहाँ पर आप लोगों को कलरफुल गांव देखने नहीं मिलेंगे, ऐसा सैंड से बने हुए घर देखने मिलेंगे आप लोगों को। भाई गर्मी में इसको कवर करके रखते ताकि ठंडी में आराम से खा ले। और ये जो अंगूर देख रहे हो ये 5 महीना पुराना है लेकिन अभी भी खाने लायक है। व्यू देखिए पीछे कितना सही लग रहा है, वो पूरा देखिए ये पहाड़ यहाँ से पूरा कनेक्ट होके इस तरफ सामने गया हुआ है। 63-64 रुपया लीटर पेट्रोल आप लोगों को अफगानिस्तान में मिल जाएगा। भाई कौन बोला अफगानिस्तान एक गरीब कंट्री है, ये देखिए भाई सारे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, बातचीत हो रही है बहुत ज्यादा। देखो एकदम सेम राशिद खान दिखता है कि नहीं कमेंट करके बताना भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा रहेगा तो आप लोगों को जरूर मालूम होगा भाई हम काबुल अफगानिस्तान पहुंच गए, और आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि हमारे पास आ गया परमिट, अब हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं अफगानिस्तान में। तो आज हम ट्रैवल करने वाले हैं भाई काबुल छोड़कर दूसरा प्रोविंस चलते हैं जिसका नाम है पंजशीर, जिसको बोलते हैं भाई ये एक टाइम पे दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक जगह थी, अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो भाई चलते हैं देखते हैं कैसा सिचुएशन होता है, क्या सारा माहौल होता है। और पंजशीर की अगर बात करें तो तकरीबन यहां से वो है 190 से 200 किलोमीटर दूर है, पहुंचने लगेगा भाई 2-3 घंटा, कितना भी लगेगा भाई मजा आने वाली है। देखिए भाई ये जकी भाई का घर है और उसके सामने देख सकते हो यहां पर हमारी कार आके खड़ी हो गई है जिससे हम जाने वाले पंजशीर। ब्रदर वेयर आर वी गोइंग टुडे? वी आर गोइंग टू पंजशीर। पंजशीर, इट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इट इज डेंजरस। इट वाज लेट्स फाइंड आउट नाउ। या चलो तो यार चलिए चलते हैं, हम हमारा सफर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए भाई जकी भाई का घर बाहर से ऐसा कुछ दिखता है, यहां पर देखिए सारी बर्फ वगैरह लगी हुई है। चलिए भाई तो ये गाड़ी से हम जाने वाले हैं भाई पंजशीर। सलाम अलैकुम आका। तो ये हमारे श्री नागा भाई, इनके साथ हम जाएंगे सफर करेंगे। और बाहर का कुछ ऐसा नजारा है भाई जकी भाई के घर के, देखिए पूरे बर्फ के पहाड़, अरे यहाँ भी पूरे बर्फ पड़े हुए हैं। चलिए भाई सफर स्टार्ट करते हैं पहले। तो यार जैसा कि आप लोगों को बताया सफर काफी ज्यादा लंबा होने वाला है 2-3 घंटे का, तो भाई रास्ते के लिए कुछ खाने पीने के लिए सामान ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा ऐसे रहते हैं भाई जनरल स्टोर और नॉर्मल स्टोर अफगानिस्तान में, देखिए भाई ऐसी सारी कुछ दुकानें होती है। चलिए यहाँ से थोड़ा चिप्स वगैरह ले लेते हैं या फिर कुछ ड्रिंक वगैरह कॉफी वगैरह जो जो मिलेगा यहाँ से ले लेंगे। सलाम अलैकुम। देखिए भाई यहाँ पर चिप्स वगैरह रखा हुआ है तो मैं लेता हूँ एक टोमेटो वाला चिप्स ले लेता हूँ। भाई यहाँ पर भी अफगानिस्तान में सारी चीज़ें मिलती है, ऐसा नहीं कि भाई नहीं मिलती। देखिए भाई यहाँ पर नेस्कैफे की कॉफी वगैरह रखी हुई है, सारी चीज़ें तो हमको तो लेना है भाई। यहाँ पर आओ मैं आपको दिखाता हूँ, ये सबसे बेस्ट चीज है भाई अफगानिस्तान में जो मिली है, ये मिल्क कॉफी। ब्रदर हाउ मच शुड बी टेक? आई थिंक 5 इज इनफ। 6 2 2 2, वी आर 3 पर्सन, 2 2 2। तुम्हार भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा थोड़ा सा सामान ले लिए, अब निकलते सफर स्टार्ट करते हैं। और भाई तुम्हारे भाई का कपड़ा कैसा लग रहा है? पूरा अफगानी कपड़ा, ये पिछली बार मैं खरीदा था अभी का नहीं है, कैसा लग रहा है भाई कमेंट करके जरूर बताना। तो चलते हैं भाई सफर स्टार्ट करते हैं। तैयार कर दिया हम हमारा सफर स्टार्ट, और ऐसा कुछ नज़ारा भाई काबुल शहर का, ये जो सारी कुछ बिल्डिंग देख रहे हो आप, ये है रेसिडेंशियल बिल्डिंग यहाँ की जो कि काफ़ी ठीक ठाक और काफ़ी अच्छी कंडीशन में। और आप देख सकते हो भाई यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी आप लोगों को हर जगह देखने मिलेगा क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा यहाँ पर वॉर वगैरह कितना ज़्यादा हुआ है। और यार काबुल शहर में हर जगह आप लोगों को ऐसी छोटी छोटी दुकानें देखने मिलेगी, ये देखिए भाई रोड पर लगा लगा के लोग सामान भी बेच रहे हैं। और देखिए भाई कुछ कुछ दुकानें और कुछ कुछ घरों के ऊपर आप लोगों को सोलार भी देखने मिलेगा क्योंकि भाई यहाँ पर लाइट वगैरह इतनी ज़्यादा रहती नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर सोलार यूज़ करते हैं जिनके पास भाई थोड़ा बहुत पैसा होता है। यार आप जब भी कार से ट्रैवल करोगे तो सबसे पहला स्टॉप होता ही होता है वो है पेट्रोल पम्प। तो देखिए भाई हम आ गए हैं यहाँ के पेट्रोल पम्प पे, और देखिए ऐसे कुछ दिखते हैं अफगानिस्तान के पेट्रोल पम्प जो कि काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है। और अगर भाई पेट्रोल की प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 59 अफगानी लीटर, मतलब इंडियन करेंसी में बोल सकते हो आप 63-64 रुपया लीटर पेट्रोल आप लोगों को अफगानिस्तान में मिल जाएगा। और अगर डीजल के बारे में बात करें तो कोई चेंज नहीं है, पेट्रोल और डीजल के प्राइस बिल्कुल सेम है, और एलपीजी भाई 45-50 रुपये की। तो ऐसा कुछ सारा प्राइस है भाई अफगानिस्तान में पेट्रोल और डीजल का। और जहाँ पर हम पेट्रोल भराने आए हैं वो जकी भाई के घर से सिर्फ 10-15 मिनट दूर है। और यहाँ का नज़ारा देखिए भाई, सामने आप लोगों को पूरे पहाड़ पहाड़ देखने मिलेंगे, और ऐसे कुछ नज़ारे ऐसे कुछ हाईवे होते हैं भाई अफगानिस्तान में। ये देखिए भाई ये है पेट्रोल पम्प अफगानिस्तान का, यहाँ पर ऐसी गाड़ियाँ वगैरह चलती है, यहाँ पर छोटी दुकान भी है। देखिए भाई पेट्रोल भरा के हो गया है, अभी थोड़े टाइम में रुकेंगे भाई खाना खाने के लिए, भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है आप लोगों को, जब तक मैं व्यू दिखाता हूँ। और यार अफगानिस्तान जो कंट्री है वो 80% उसमें सिर्फ पहाड़ आप लोगों को देखने मिलेंगे, इसलिए आप भाई अफगानिस्तान में आप कहीं भी जाओ नज़र घुमाओगे आप लोगों को किसी ना किसी साइड आप लोगों को पहाड़ देखने मिलेगा ही मिलेगा। और आप यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा हुआ है, पीछे पूरे सारे जो पहाड़ देख रहे हो उसमें बर्फ़ जमे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है यहाँ से।
जब हम जा रहे थे हमको एक बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज देखने मिली। तो सकी भाई बोले चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए भाई ऐसा कुछ हाईवे जैसी जगह है और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा यूनिक सी शॉप दिखी। जकी व्हाट इज दिस? ग्रेप्स। हाँ भाई देखिए ये है अंगूर और इसको ना भाई बहुत ज्यादा टाइम तक अच्छा रखने के लिए ना ये इसमें से मट्टी का वो बनाते हैं और उसके अंदर अंगूर रखते हैं तो भाई वे बहुत टाइम तक अच्छा रहता है। मच टाइम इट विल बी गुड इन दिस? मोर देन वन ईयर। तो भाई ये जो ऐसा रखे है ना ये मट्टी के अंदर देखिए अंगूर ये भाई एक एक साल तक अच्छा रहता है भाई। यूजुअली जो गांव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं भाई गर्मी में जब अंगूर उगता है ना तो उसको ना भाई ऐसे मट्टी का वो बनाते हैं और उसके अंदर अंगूर रख देते हैं ताकि भाई वो ठंडी में भी खा सके बहुत टाइम तक भाई एक एक साल के ऊपर तक अच्छा रहता है। और ये जो सारा कुछ बाग देख रहे हो ना यहाँ पर ये कुछ है अंगूर का बाग। देखिए भाई या हाउ मच 70 अफगानी। ये एक मट्टी का जो बॉक्स है ये है 70 अफगानी का जो कि इंडिया के बनते हैं 75 रुपीज़ जो सेम है भाई इंडिया का और यहाँ का करेंसी सेम है। तो हम इसको एक लेते हैं। देखिए अंकल तोड़ रहे हैं। ब्रदर हाउ ओल्ड इज दिस? फाइव मंथ्स। तो भाई 5 महीने पुराना अंगूर है। देखिए भाई अभी उसको खोल के निकालें और ये हम खरीदे हैं 70 अफगानी का। देखिए भाई अंकल हमारा अंगूर धोने गए थे ये धो के अंगूर लेके आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए लाइन से ऐसी दुकानें हैं यहाँ पर है। उसके आगे भी देख सकते हो उसके आगे भी देख सकते हो वो देखिए यहाँ पर भी ये दुकान है। यार भाई अभी मैं टेस्ट किया इतना ज़्यादा मीठा है ना इट्स सो स्वीट ब्रदर। भाई जो नॉर्मल अंगूर होते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है भाई कसम से बता रहा हूँ। ये आप लोगों को लगेगा नहीं देख के ये 5 महीना पुराना अंगूर है जो कि मट्टी के बर्तन के अंदर था अभी निकला और इतना ज्यादा स्वीट इतना ज्यादा अच्छा है। तो अंगूर खाते खाते हम चलते हैं आगे अभी खाना खाने भी रुकना है। हाईवे की कंडीशन देखो कितनी ज्यादा अच्छी है। कुछ जगह पे टूटा टूटा है लेकिन यहाँ का रोड देखो एकदम प्लेन जरा भी एक छोटा सा भी खड्डा आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा। और पीछे का नजारा देखिए आप लोगों को मैं कितनी बार दिखा चुका हूँ कितना ज्यादा खूबसूरत है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और देखिए भाई आगे देखिए तालिबान की चेक पॉइंट बनी हुई है यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा भाई कैमरे नीचे रखना पड़ेगा मुझे। ये देखिए भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा पीछे चेक पॉइंट था और ऐसा चेक पॉइंट तकरीबन आप समझ सकते हो 5 से 6 किलोमीटर में हर बार आता है हर टाइम आता है तो वो भी ठीक है थोड़ा सेफ्टी के लिए रखना पड़ता है। और यहाँ की रोड की कंडीशन जो है ना भाई अभी वो अलग लेवल पे यार जैसे मैं पिछली बार आया था एक साल पहले इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन जो अभी की ये कंडीशन है वो आप देख सकते हो। ये देखिए इतना ज्यादा सही लग रहा है ना मैं आपको क्या बताऊं। और ये देखिए भाई ये कोई गांव सा है यहाँ अफगानिस्तान का पूरा भाई यहाँ पर आप लोगों को कलरफुल गांव देखने नहीं मिलेंगे ऐसे सैंड से बने हुए घर देखने मिलेंगे आप लोगों को और ऐसा कुछ नजारा रहता है भाई अफगानिस्तान के गांव में। ओए यार व्यू देखिए पीछे कितना सही लग रहा है वो पूरा देखिए ये पहाड़ यहाँ से पूरा कनेक्ट होके इस तरफ सामने गया हुआ है। तो यार अभी हम एंटर हो रहे हैं यहाँ की एक नई सिटी में ये देखिए भाई जिसका नाम है परवान। और देखिए सारे कुछ आप लोगों को पीछे घर देखने मिलेंगे देखिए पहाड़ में पूरे घर बसे हुए हैं। 1 hour later फाइनली हम एंटर हो गए हैं पंचिर प्रोविंस में। और यार आप लोगों को एक बात बता दूं मैं पिछली बार भी अफगानिस्तान आया था तो 20 दिन अराउंड मैं रुका था यहाँ पर और अभी भी तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं लेकिन मैं अपने पूरे अफगानिस्तान के सफर में इतना ज़्यादा कभी नहीं डरा। हुआ क्या भाई जब पंचिर प्रोविंस से एंटर होने से थोड़ा सा टाइम पहले दूर पे ना भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगी हुई थी तकरीबन आप बोल सकते हो 10-12 गाड़ी थी भाई तालिबान की और एक आदमी ना भाई पूरा खून से लथपथ उसको उठा के लेके जा रहे थे। और भाई इतने सारे तालिब मैं एक साथ कभी ज़िंदगी में देखा गन लेके भाई पूरा चारों तरफ घेरे हुए थे तकरीबन आप समझ सकते हो 100-150 लोग होंगे। तो यार इतना ज़्यादा डर मतलब भाई ये क्या सीन हो रहा है। वो ट्रैफिक में ना भाई हम 10 से 15 मिनट रुके थे। जकी भाई बोलते भाई डरने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर ऐसा सीन होता ही होता है क्योंकि पंचिर ना भाई आप लोगों को जैसे बताया था भाई ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर जगह है। इसके बारे में क्यों है क्या है सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक बार आगे पंचिर शहर पहुँच जाए होटल ले ले वहाँ आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ। यार इतना ख़तरनाक एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ भाई सही कसम से बता रहा हूँ ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं से कुछ फायरिंग ना हो जाए इतना मतलब मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। तो अभी तो भाई हम एंटर होके वहाँ से तकरीबन आप समझ सकते हो 10-12 किलोमीटर आगे आ गए हैं और यहाँ पर हम रुके हैं खाना खाने। चलिए पहले खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद आप लोगों को और बात बताता हूँ। देखिए भाई ये कोई छोटा सा गाँव जैसा यहाँ पर है और यहाँ से खूबसूरत सी प्यारी सी नदी बह रही है। क्या व्यू दिखाने की तो भाई उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई मोला भाई मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता ऐसा एक्सपीरियंस यार मैं क्या ही बताऊँ आपको। देखिए यहाँ पर ऐसे लकड़ी काट वाट के रखे हैं भाई अभी ठंडी चालू है। देखिए बकरी वगैरह बहुत सारी आप लोगों को देखने मिलेगी। और ये रही होटल जहाँ पर हम खाना खाने रुके हुए हैं ये रही हमारी कार। तो चलते हैं भाई आप लोगों को होटल दिखाता हूँ
और यहाँ पर भी हम वही खाएंगे। आवाज़ मेरी देख सकते हो, इतनी ज़ोर से बोला था, मेरी आवाज़ स्लो हो गई है। तो हम यहाँ पर खाएंगे काबुली। देखिए ये रेस्टोरेंट, चलिए चलते हैं भाई, खाना आ भी गया होगा। देखिए हर जगह अफगानिस्तान में आप लोगों को ऐसे रेस्टोरेंट देखने मिलेंगे। देखिए जाकी यू स्टार्टेड। देखिए भाई काबुली कबाब और रोटी है। हाथ धो, कहता आई विल वॉश माई हैंड एंड विल कम। ओके, और यहाँ से व्यू देखिए कितना सही लग रहा है। नो आफ्टर जस्ट नाउ। तो चलिए भाई पहले खाना खा लेते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पंचिर प्रोविंस इतना ज़्यादा डेंजरस प्रोविंस क्यों है। तो यार पंचिर प्रोविंस में एक आम मिलिट्री ग्रुप है जिसका नाम है नॉर्दर्न अलायंस, जो कि है एक एंटी तालिबान ग्रुप। उसको लीड करते हैं अहमद मसूद, जो कि बैठे हैं अहमद शाह मसूद के। तो अगर आप लोगों को अहमद शाह मसूद के बारे में नहीं मालूम है तो आप लोगों को बता दूं, अहमद शाह मसूद एक अफगान कमांडर हैं जिनको बोलते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट कमांडर है 20th सेंचुरी के। तो जब 1979 में सोवियत यूनियन ने स्टार्ट किया इन्वेड करना अफगानिस्तान को और बहुत सारी अफगानिस्तान की टेरिटरी कैप्चर कर ली, फिर उसके बाद 1980s में सोवियत यूनियन ने स्टार्ट किया कैप्चर करना पंचिर प्रोविंस को, क्योंकि पंचिर प्रोविंस स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविंस है जो कनेक्ट करता है काबुल को नॉर्दर्न प्रोविंस से, इसलिए पंचिर प्रोविंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। तो वहां पर 5 साल बहुत ही ज्यादा खतरनाक वॉर देखने मिला सोवियत आर्मी और अफगानिस्तान मुजाहिद ग्रुप के बीच में, जो कि लीड कर रहे थे अहमद शाह मसूद। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बताया, नॉर्दर्न अलायंस एक एंटी तालिबान ग्रुप है। तो जब 1996 में पहली बार तालिबान पावर में आई थी, पहली बार गवर्नमेंट में आई थी 1996 से लेकर 2001 तक, तभी भी पंचिर वैली में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई देखने मिली थी नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच में। यार अगर उसके बाद डायरेक्टली बात करें 2021 की, तो आप में से सारे लोगों को मालूम होगा तालिबान ने दूसरी बार अपनी गवर्नमेंट बना ली है अफगानिस्तान में। जब वो दूसरी बार अपनी गवर्नमेंट बना रही थी 2021 में, तो धीरे धीरे करके एक एक प्रोविंस कैप्चर कर रही थी तालिबान। जो लास्ट प्रोविंस बचा था वो था पंचिर, जहां पर लास्ट तक बहुत ही ज्यादा खतरनाक झगड़ा देखने मिला। और जब 2021 अगस्त में तालिबान ने कैप्चर भी कर लिया पूरा अफगानिस्तान, उसके बाद भी वहां से बहुत सारे रिबेलिशन देखने मिले वहां पर, अभी तक बोलते हैं कि झगड़ा चल रहा है। तो इसलिए भाई ये पंचिर प्रोविंस इतना ज्यादा खतरनाक है भाई, कभी भी डर रहता है कि कहीं से कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए भाई यहां पर थोड़ी ज्यादा डर लग रही थी मुझे। हम तो आए थे पंचिर यहाँ पर 1-2 दिन स्टे करने के लिए, लेकिन भाई यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि हर जगह आप लोगों को सिक्योरिटी देखने मिलेगी। अभी मैं कहता अहमद शाह मसूद की कबर पे वहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो 3 तालिबान के लोग आए और भाई सारा कुछ फुटेज डिलीट करवा दिया और मुझे मना कर दिया कि भाई यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पर भाई इस प्रोविंस से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है और भाई रिकॉर्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। सोच रहे हैं चलते हैं वापस काबुल शहर, क्योंकि भाई जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पर रिकॉर्ड करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, और साथ ही साथ जकी भाई भी बोल रहे हैं कि मेरे एक रिश्तेदार की शादी है काबुल में, तो वहाँ चलते हैं देखते हैं भाई अफगानिस्तान की शादी होती कैसी है। तो यार जान है तो जान है, अब भाई पंचिर से हम लोग भाई जान वन बचा के भाई कैसे कैसे करके वापस काबुल आ गए। और आप लोगों को ये भी पता है कि भाई जा रहे हैं हम शादी अटेंड करने, क्योंकि जकी भाई और जो ड्राइवर थे वो दोनों के रिश्तेदार की यहाँ पर शादी है। तो हम आ गए, सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊं भाई अफगानिस्तान की शादी होती कैसी है। भाई भाई कौन बोला अफगानिस्तान एक गरीब कंट्री है, ये देखिए भाई भाई इतनी ज़्यादा लग्जूरियस शादी करते हैं ना भाई, शादी का हॉल ऐसा लग रहा है कि भाई हम ताजमहल में आ गए। तो चलिए सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ भाई। तो यार ये देखिए ये शादी के हॉल का बड़ा सा गेट है, और भाई हॉल देखिए आप लोगों को ज़रा भी नहीं लगेगा कि भाई हम अफगानिस्तान में भाई इतने बड़े बड़े हॉल में भाई यहाँ पर शादी होती है। ये देखिए भाई कैमरे में लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को, आ भी नहीं रहा है इतना ज़्यादा बड़ा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसा पूरा सा गोल घूम के इस तरफ तक आया है, तो इस तरफ जो है वो लेडीज़ का सेक्शन है और उस तरफ जो है जेंट्स का सेक्शन। और यहाँ शादी में कार का कलेक्शन देखो भाई आप लोगों को, लेक्सस लैंड क्रूज़र और ऐसी बड़ी बड़ी कारें इतनी सारी देखने मिलेगी ना। ये देखो भाई यहाँ भी पूरी भरी हुई है और इस तरफ भी पूरी भरी हुई है। तो चलिए चलते हैं भाई, इस तरफ है जेंट्स का सेक्शन, आप लोगों को दिखाता हूँ भाई अंदर से होता कैसा है ये शादी का हॉल। भाई सही बता रहा हूँ, रोड पे तो ऐसी गाड़ी दिखती नहीं है, यहाँ पर कहाँ से आ गई। ऐसा लग रहा है ना भाई ये थर्माकोल और कार्डबोर्ड से बना हुआ है। ब्रदर दिस इज रियल वॉल और इट इज जस्ट पीओपी? रियल वॉल, सल्तनत पैलेस। तो भाई सही बता रहा हूँ, इतना डिटेल में काम हुआ है, इतनी ज्यादा लाइट वगैरह लगी हुई है, मुझे तो लगा था भाई ये नकली है, लेकिन ये मैं आपको और नजदीक से दिखाता हूँ। ये देखिए भाई ये तो एक पूरी दीवार है भाई, ओरिजिनल पूरा कंक्रीट से बना हुआ है, और यहाँ से पार्किंग है, यहाँ सामने देख रहे हो यहाँ से एंट्रेंस है। चलिए भाई ये देखो भाई ये दरवाजे से हम एंटर हुए हैं, और यहाँ पर इतनी सारी भाई ये सब जगह बनी हुई है बैठने के लिए, और जो मेन हॉल है वो तो ऊपर है। चलिए ऊपर चलते हैं। सलाम भाई। ब्रदर यू हैव इनविटेशन? यार यू डोंट हैव इनविटेशन। खाली मेरे पास इनविटेशन है भाई, यू डोंट हैव इनविटेशन। आई एम गेटिंग, इसके रिश्तेदार की शादी है भाई। हेलो 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 हेलो, चलो फ्री में खाना खाने। यहाँ सारे भाई मिल गए। भाई आपका नाम क्या है? बायर। ये तो इनको तो आप जानते ही हैं,
और ये डॉक्टर हसीब, डॉक्टर हसीब इंजीनियर साइड, डॉक्टर है, इंजीनियर है यहाँ पर, और इनमें ये उर्दू बोल लेते हैं। आप उर्दू बोल लेते हो ना, आपको उर्दू आता है। और भाई यहाँ का डेकोरेशन देखो कितना ज़्यादा मतलब कलरफुल और कितनी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह लगा के रखते हैं। और यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, बातचीत हो रही है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा यहाँ पर बैठते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। देखिए भाई सब बैठे हुए हैं और यहाँ पर जकी तो यहाँ पर राशिद खान, तो भाई ये देखो ये है यूनुस, इससे मैं पिछली बार आया था तो भी मिला था मैं जकी भाई के घर पे। राशिद खान जैसे बचपन में दिखता था बिल्कुल वैसे दिखता है। यूनुस से सलाम, सलाम सलाम सलाम, क्या हाउ टू आस्क नेम, नाम उचीस यूनुस, अनस यूनुस, अनस यूनुस। देखो भाई एकदम सेम राशिद खान दिखता है कि नहीं कमेंट करके बताना भाई। तो देखिए भाई खाना आ गया है और ऐसी गाड़ी में खाना लेके आते हैं, सारे लोग देख सकते हो टेबल पे बैठ गए हैं ऑलरेडी, बस अभी खाना ला के रखेंगे। देखिए भाई अब क्या क्या है वो तो भाई आने के बाद मालूम पड़ेगा। व्हाट दे हैव इन फूड, दे हैव थ्री काइंड ऑफ राइसेस, फ्राइड चिकन एंड फ्रूट। तो देखिए भाई खाना आ गया है, यहाँ पर एक काबुली, वो है बिरयानी और अलग अलग टाइप की वेजिटेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कबाब रखा हुआ है, इधर पे कबाब कहाँ गया, देखिए भाई ये कबाब है और यह बीच में फ्रूट रखा हुआ है, राइस रखा हुआ है, तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। बट चिकन चिकन, तो देखिए भाई यहाँ पर फ्राइड चिकन भी रखा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। और यहाँ पर अभी कोल्ड ड्रिंक आ रहा है, खाने पे खाना सर्व कर रहे हैं एकदम, देखिए भाई भर भर के खिला रहे हैं एकदम। हाउ इज़ द फूड ब्रदर, वेरी गुड। तो भाई ये देखिए भाई ये चिकन आया, चिकन है भाई चिकन। तो भाई खाने में बहुत ज़्यादा वेराइटी है भाई, शुक्रिया भाई। This is, I don't eat fish. No fish, no, no. मछली नहीं खाऊंगा भाई, थोड़ा जो चिकन वगैरह है वही थोड़ा खा के काम चलेगा। भाई लोग शादी में ड्रोन भी उड़ रहा है देखो। तो यार खाना पीना खा के निकल गया भाई, इतना अलग लेवल पे खाना था, इतना अलग लेवल पे इंतजाम था भाई, मैं ज़रा भी नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान में शादी ऐसी होती है। चलो भाई वो भी एक्सपीरियंस कर लिए। और भाई अंदर इतने सारे लोग मिल रहे थे ना भाई, पूरा हॉल भाई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया, सारे लोग आके पूछ रहे कहाँ से हो, कैसे हो, अफगानिस्तान कैसा लगा। तो और भाई मैं उनसे पूछा कि कितना खर्चा होता है एक शादी में, ये जो शादी का हॉल देख रहे हो भाई, बोला इसका रेंट कितना है एक दिन का। तो ये लोग बोले तकरीबन इंडिया के जो 3-3.5 लाख का आपको ये हॉल मिल जाता है, और खाना वाना मिला के मतलब 8-10 लाख में शादी हो जाती है। अगर कंपेयर करें तो इंडिया में तो इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव, लेकिन भाई यहाँ की शादी भाई काफी ज्यादा, मैं सोचा जरा भी नहीं था ऐसा होता है। और लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं भाई यहाँ के, मतलब इतने ज्यादा हॉस्पिटेबल होते हैं, खाना खिला रही है वो, और बहुत सारी लंबी बातचीत हुई। निकलते भाई घर की तरफ और टेम्परेचर के बारे में बात करें तो अभी टेम्परेचर हो गया भाई -6, ठंडी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और हमारी कार कहाँ, देखिए सामने खड़ी है भाई हमारी गाड़ी, चलिए भाई बैठते हैं। तो यार बज गए रात के 11:15, अभी जकी भाई के घर पे आके भाई वीडियो भी एडिट करना है, और अभी बज गए रात के 11:30-11:15 तकरीबन हो रहे हैं। और यार पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि भाई मेरे पास वीडियो एडिट करके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ना भाई इंटरनेट का इशू है भाई, फास्ट चल ही नहीं पा रहा, मेरी स्टोरी बराबर अपलोड नहीं हो पा रही है। मेरा ख्याल है भाई एक वीडियो अपलोड करने के लिए तकरीबन 2-3 दिन लग जाएगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई जल्दी से जल्दी वीडियो डालने के लिए, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम होती है कि भाई इंटरनेट नहीं है तो उसके लिए भाई कुछ भी नहीं कर सकते, इंटरनेट कहाँ से लेके आ जाओगे, जितना स्पीड रहती है भाई उतने स्पीड में चलेगा। और इंस्टाग्राम पे भी प्रॉपर स्टोरी अपलोड नहीं हो पा रही है। और यार अब अगर आप लोग भाई यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, वहाँ पे ना भाई लाइव अपडेट आती है भाई, आज का आज मैं चीज़ें डाल देता हूँ उस पर, स्टोरी डाल देता हूँ, तो अच्छा है अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो ज़रूर फॉलो करो। तो ऐसा कुछ आज का हमारा दिन गुजरा, आप लोगों ने देखा था हम गए थे पंचीर, वहाँ रहने गए थे, लेकिन भाई थोड़ा सा ऐसी प्रॉब्लम हुई जो आप लोगों को मैं बताया, उसकी वजह से हमको रिटर्न आना पड़ा। तो ऐसा कुछ सारा प्रोग्राम हुआ, तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं भाई, आज तो दिन पूरा खत्म हो गया है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ।